असुरन चौक के व्यापारियों ने पिपराइच से असुरन तक हो रहे रोड चौड़ीकरण का रोड मैप सार्वजनिक किए जाने की मांग को लेकर नगर आयुक्त को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में प्रांतीय व्यापार मंडल के अध्यक्ष रमेश चंद्र गुप्ता ने बताया कि जो असुरन से लेकर पिपराइच तक रोड चौड़ीकरण किया जा रहा है, हम लोगों ने प्रशासन से मांग किया है कि जो रोड बन रहा है उसका रोड मैप सार्वजनिक किया जाए। हम लोगों को आश्वस्त किया गया है कि वह नक्शा पीडब्ल्यूडी के पास है, हम लोग मिलकर नक्शे को देखेंगे। हमारी मांग है कि किसी को उजाड़ा न जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष रमेश चंद्र गुप्ता ने कहा, आज असुरन क्षेत्र से व्यापारी दिख रहे हैं, निश्चित रूप से जो है व्यापारी काफी आतंकित हैं और भयभीत हैं। असुरन चौराहे से पिपराइच तक जो रोड बननी है 4 लेन, प्रशासन से हम लोगों ने मांग यही किया है कि जो रोड मैप बनाया है प्रशासन ने वो हम लोगों के सामने दिखाया जाए, और वह पीडब्ल्यूडी के पास जो है अभी आश्वासन ये मिला है, पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता के पास वो मौजूद है, हम लोग वहीं अभी जा रहे हैं और उनसे प्राप्त करके जो है यह जानकारी लेंगे। हम लोगों की मांग यही है कि अगर कहीं से भी हम गलत हैं, नगर निगम के व्यापारी अगर कहीं से भी कब्जा कर रखे हैं और अवैध रूप से हम कब्जा किए हैं तो ठीक है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हम 40 वर्षों से ये जो है व्यापार कर रहे हैं और हमको वहीं बसाया जाए, कहीं से तोड़ा ना जाए, किसी को जो है कहीं किसी को भी जो है। अच्छा, अभी क्या किसको आप ज्ञापन दिए, क्या आश्वासन दिया? उपनगर आयुक्त निरंकार सिंह जी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भेज करके मैं वहाँ मौके पर दिखवा ले रहा हूँ और निश्चित रूप से जो है आप लोगों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। क्या नाम है? रमेश चंद्र गुप्ता, प्रांतीय अध्यक्ष, पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल।